गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने 29 जुलाई को अपने एलटी ग्रेड के एग्ज़ामिनेशन को दे दिया है, और जैसा कि हमारे और भी स्टूडेंट्स, हमारे कॉम्पिटेटिव्स भाइयों से पता चला है कि इंग्लिश का पेपर एवरेज पेपर आया, जिसमें क्वेश्चन एक एवरेज लेवल के पूछे गए हैं। और यह जो कॉम्पिटिशन रहा है, सीजनल नहीं रहा है कि जो आए एक दो महीने तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, जो हमेशा कंटिन्यूली टीचर को, ग्रामर को पढ़ते रहे, उस तरह से एग्ज़ाम आया। और आज हम इंग्लिश के कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एलटी ग्रेड की कटअप कितनी जा सकती है। यह डिस्कशन जो है, मैं कई लोगों के साथ मिल के यहाँ इलाहाबाद में उसको देखा, उसके बाद इसको बनाया हूँ कि एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में जनरल कटअप कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी और एससी की कितनी जाने की उम्मीद है। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा ज़्यादा 5 नंबर, ज़्यादा 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का यही अंतर रहेगा। ये अभी तक रेशियो जो रुझान मिल रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि लड़कियों का कटअप लड़कों से ज़्यादा चली जाएगी। इस बात को ध्यान पर रख के आइए डिस्कस करते हैं कि कटअप कितनी जा सकती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यह एग्ज़ाम जो है एक निगेटिव बेस्ड एग्ज़ाम रहा है, वो भी निगेटिव बेस्ड एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया गया 1/3, जिसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखा गया, जिसमें ओबीसी और जनरल को 60 क्वेश्चन करने थे और ओबी और एससी और एसटी को 45 क्वेश्चन। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, इसके बाद मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप 60% या 45 नंबर पा गए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मेरिट का निर्धारण आपके रिटर्न एग्जाम पे 5वें नंबर पर होगा। जैसा कि निगेटिव मार्किंग और पेपर ऑफ स्टैंडर्ड को देखते हुए, मैं यह श्योर हूँ कि जनरल की कटअप 88+ बारे श्योर हैं। 88+ जो जनरल का कैंडिडेट पाया है, वो 100% श्योर है कि वो जनरल में हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में सीटें भी काफ़ी हैं, 600-700 सीटें बॉयज़ की, 600-700 की महिलाओं की। इस बेस पे आधार पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि लड़की लड़कियाँ अलग हैं, दोनों कटअप अलग बनेगी। जबकि टीजीटी में, पीजीटी में एक साथ लड़के लड़कियां बैठते हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग, तो 80-90 पे लड़का सेलेक्ट हो जाता है बिना निगेटिव मार्किंग के। और इसमें वो 125 क्वेश्चन कराता है, इसमें 150। तो आप यह जान जाइए कि 30 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे गए थे, इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी दांत खट्टे कर दिए उस क्वेश्चन में, सब एवरेज करके 5, 6, 10 अधिक से अधिक किए हैं। और जहाँ तक एलटी ग्रेड में ओबीसी की बात है, तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो कटअप हमारी 82 तक जा सकती है, 82 तक, और एससी एसटी की 70 तक। आप इसमें बिल्कुल ना रहे, यह एकदम सिलेक्शन श्योर है। जो लड़के इतने करके आए हैं वो श्योर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लड़के 100+ की है, 90+ की एक्सेप्शन है, वो सब मतलब उनसे मेरिट का निर्धारित नहीं होता है। मेरिट का निर्धारण एवरेज मिडिल क्लास के लड़कों से होता है, जो अधिक एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क देते हैं। एक लड़का तो है जो 123 बता रहा है कि मैं सर 123 पाया हूँ, तो 123 वाले इक्के दुक्के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकते, हो सकते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक लड़कियों को मेरिट गए, तो लड़कियाँ जनरल मान लें कि 80 तक सेलेक्ट हो जाएंगी, ओबीसी की लड़कियाँ 75 तक, और एससी एसटी तो मान लो जो लड़कियाँ 65-65 के अबव हैं, वो सब सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। ये एक अनुमानित मेरिट है, इससे एक परमानेंट नंबर या हमारे भाइयों से, दोस्तों से, मित्रों, सहपाठियों से जो एक बेसिकली अनुमान मिल रहा, उसके आधार पर। और आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरिट इससे भी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप इसे हमारे कॉमेंट बॉक्स में करके बताएं कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है। ओके, और जो एलटी ग्रेड इंग्लिश कटअप है, यहाँ तक रहने की पूरी संभावना है। देखिए, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की तैयारी में हम लोग साथ में रहे, और इससे जो भी रिलेटेड न्यूज होगी, जैसा कि रिजल्ट इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है, जो भी जानकारी होगी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। हमारे चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।